नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे, जिसके चैप्टर 4 को हम डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 4 के दो पार्ट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्कशन हो रही है वो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की गई है, जिससे कि वीडियोज जो हैं वो काफ़ी लंबी बन रही हैं, इसलिए इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी जो है टाइम और एनर्जी लगती है। तो डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं भारत में संसदीय कार्यपालिका। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि उनको ना छोटे छोटे वर्ड्स नहीं पता है, जैसे संसदीय किसे कहते हैं, राष्ट्रपति शासनात्मक प्रणाली किसे कहते हैं। अगर आपके पास दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि संसदीय कार्यपालिका क्या होती है और राष्ट्रपति कार्यपालिका क्या होती है, तो ये टॉपिक ईजिली समझ आ जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा, आगे नहीं बढ़ते, पहले इसी को छोटा सा बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने बात करी कि संसदीय कार्यपालिका में दो बातें, पहली बात है सरकार का प्रमुख, ठीक है, और दूसरी बात है देश का प्रमुख, ठीक है ना। पहली बात, दूसरी बात, सरकार का प्रमुख कौन होगा संसदीय कार्यपालिका में? प्रधानमंत्री। और देश का प्रमुख कौन होगा संसदीय कार्यपालिका में? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति शासन प्रणाली में क्या होगा? सरकार का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति, ठीक है। और देश का प्रमुख कौन होगा? वो भी राष्ट्रपति। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के हाथ में सारी पावर, ठीक है ना। तो अब आप बात समझिए कि जब एक नया देश आजाद हुआ है, भारत जो है 1947 में आजाद होता है, उसके बाद हमारे पास ये बात थी कि हम कैसी व्यवस्था को अपनाएं। तो आपके हिसाब से हमें कैसी व्यवस्था अपनानी चाहिए? क्या मैं कैसी व्यवस्था अपना दे कि जहां पर सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में आ जाए? क्योंकि हमने राष्ट्रपति शासनात्मक प्रणाली में क्या होगा, राष्ट्रपति ही सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में है। एक ही बंदे के पास अगर सारी शक्तियां हो जाएंगी तो क्या उसके पास जो है वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? वो कभी चाहेगा कि उससे कोई शक्ति छीन ली जाए? तो ऐसा हम नहीं चाहते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, भारत जो है, मतलब भारत में हमने कुछ ऐसा सोचा कि यार कोई ऐसी सरकार बनाते हैं जो कि सरकार तो बने लेकिन सरकार जो है इतनी ज़्यादा शक्तिशाली भी हो और लोगों के प्रति जवाबदेह भी हो, तो अब इसी वजह से हमने जो है कौन सी व्यवस्था अपनाई? संसदीय व्यवस्था, यानी कि संसदीय कार्यपालिका। उसको अपनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे यहाँ पर सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह हो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात कि लोगों के प्रति जवाबदेह हो, एक तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि भारत में जब हम बात कर रहे हैं कि 1919 और 1935 के जो अधिनियम थे, यानी कि उससे पहले के जो कानून थे, देखिए भारत आजाद तो 1947 में हुआ है, लेकिन इससे पहले भी तो भारत में शासन चल रहा था ना। किसका चल रहा था? ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा था, यानी अंग्रेजों का, ठीक है। तो वो भारत को चलाने के लिए 1919 में कानून लेकर आए और 1935 में कानून लेकर आए। उसमें हमने जो है संसदीय व्यवस्था को अपना रखा था। संसदीय व्यवस्था मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो इसलिए हमारे को उस चीज़ का अनुभव भी था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि संसदीय व्यवस्था के अंदर कि हम क्या करते हैं कि हमारे जो सरकार के प्रमुख होते हैं ना, सरकार जो होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, ठीक है, और वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि संसद या विधायिका जो होती है, विधायिका या संसद, ठीक है, बात एक ही है। वहाँ पर सरकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछने के बाद सरकार उनके उत्तर देती है कि आपने ऐसा क्यों किया, कहाँ खर्चा किया, सब कुछ सरकार उत्तरदायी है, सरकार जवाबदेह है, ठीक है। अगर हम संसदीय कार्यपालिका नहीं अपनाते तो हम क्या अपनाते? अध्यक्षात्मक सरकार। इसमें क्या होता था कि भाई सारी की सारी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, वही पूरी शक्तियों का स्रोत है, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में है। अब इसमें होता क्या, अगर हम अपना लेते तो क्या होता, व्यक्ति पूजा का खतरा बन जाता। व्यक्ति पूजा यानी कि एक ही व्यक्ति के पास सारी पावर, हम उसी की पूजा करते रहे, ठीक है, उसको कोई क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, अगर वो गलत कर रहा है तब भी नहीं। अब क्या है कि हमारे संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें शक्तिशाली कार्यपालिका हो लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा
नहीं होनी चाहिए उस पर अंकुश लगे, ठीक है ना। मतलब हमारी सरकार तो शक्तिशाली हो लेकिन व्यक्ति पूजा ना हो, सरकार जवाब दे हो, जवाब दे समझते हैं, जवाब दे अगर कोई काम कर रही है तो वो जवाब देह बने, ठीक है। संसदीय व्यवस्था में ये सारी चीजें पूरी हो सकती थी। जैसे संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। कैसे? देखिए, अब जो विधायिका है, विधायिका यानी कि आप लोकसभा के चुनाव मान लीजिए, ठीक है ना, लोकसभा के चुनाव। अब इसको इस तरह से समझिए, लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि अब यहाँ पर जिसने भी 272 सीटें ले आए वो सरकार बना लेगा, ठीक है ना। अब इस बात को आप समझिए कि मान लो कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या मोदी की गवर्नमेंट है उसने 300 सीटें ले आए, तो 543 में से 300 गए तो 243, तो 300 सीटें ला करके ये इन्होंने क्या बना ली, सरकार। इनको क्या मिल गया, बहुमत। लेकिन इस बात को बताइए कि ये जो 243 लोग और चुने गए हैं ये भी तो वहाँ पर जो है वो भी तो MP हैं, यानी कि ये निभाएंगे विपक्ष की भूमिका, इनको भी तो लोगों ने चुना ही है। तो ये विपक्ष जो है वो क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा सरकार से कि भाई आपने कोई काम किया है तो क्यों, मतलब कैसे किया है, क्यों किया है, जितने भी जवाब दे जवाब हो सकते हैं वो पूछेंगे, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे सरकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उससे नियंत्रित भी होती है। अगर सरकार कोई खर्चा करती है तो उसके बारे में बताया जाता है। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तरों पर हमने, भारत ने कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया। कार्यपालिका की व्यवस्था का मतलब है कि सरकार जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, ठीक है ना। इस व्यवस्था में क्या होता है, राष्ट्रपति भारत का औपचारिक प्रधान होते हैं। मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रपति हमारे पूरे देश के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के प्रमुख होते हैं, पूरे देश पर। राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे देश के स्तर पर सरकार के प्रमुख होते हैं और वो सरकार चलाते हैं। सेम एज राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया था, राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है ना। देखिए, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद की मदद से सरकार चलाते हैं, वो भी पूरे देश में। सेम एज राज्यों में राज्यपाल होते हैं हेड और मुख्यमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के को दी गई हैं। हमारे यहाँ पर सारी की सारी शक्तियां, देखिए ध्यान रखिए, औपचारिक रूप में, औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली जो है सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से, सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो है सारी शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। इसको एक एग्जांपल से समझिए, देखिए एक कोई घर है, घर में कोई भी जो काम होगा ना उसका वो किसके नाम से होगा, जो घर में हेड है यानी कि दादाजी, ठीक है, दादाजी के नाम पर वो काम होगा। लेकिन उसके घर में, उस घर में असली काम करने वाले कौन होते हैं, वो दादाजी नहीं होते हैं, वहां पर जो घर में जो सबसे बड़े होते हैं यानी कि पापा होते हैं, वो उनके पास सारी शक्तियां होती है। लेकिन नाम जो होगा, कोई भी काम होगा, नाम होगा दादाजी का। सेम एज यही यहाँ पर होता है, सारी शक्तियां वास्तव में प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं लेकिन राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता है, मैंने आपको बताया था, आप प्रत्यक्ष तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि इसका अर्थ है राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, MLA करते हैं और वहां पे MP लोग जो है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करते हैं, चुनते हैं उनको, यानी कि चुनना। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत से होता है। इस बारे में मैंने चैप्टर नंबर 3 में बता दिया था आपको, ठीक है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसको हटा सकती है। मतलब यदि राष्ट्रपति कोई वैसा काम नहीं कर रहे हैं या कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो सिर्फ संसद ही हटा सकती है और इसके लिए जो है विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ये हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर विधायिका वाले में,
ठीक है। एक मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 74 70 मतलब आर्टिकल जो 74 है हमारे संविधान का, वो क्या कहता है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अब आप समझिए पूरे देश का जो काम होगा, राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति हैं तो सारा काम नाम जो होगा वो राष्ट्रपति का होगा, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से सरकार चलेगी, ठीक है। अच्छा, इनको सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद, ठीक है। मंत्री परिषद के प्रधान कौन होंगे, प्रधानमंत्री, मंत्री जितने मंत्री हैं उनके प्रधान प्रधानमंत्री, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने जितने भी काम होंगे उनका प्रयोग करने में जो है ऐसी सलाह के अनुसार करेगा, मतलब जो भी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो काम राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। परंतु राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार को कह सकता है। देखिए अब प्रधानमंत्री जो है वो असली सरकार चला रहे हैं और राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री ने कोई सलाह दी या मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी कि भाई इस चीज़ पे साइन कर दो जी, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी को वो चीज़ पसंद नहीं है भाई, वो वाली शक्तियाँ, ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या बोलेंगे, उसका पुनर्विचार करो, यानी कि दोबारा से विचार करो, ठीक है। अगर राष्ट्रपति एक बार तो भेज सकते हैं दोबारा साइन करने के लिए, जो प्रधानमंत्री ने कोई डॉक्यूमेंट भेजा ना उस पर बोला कि भाई इस पर, राष्ट्रपति को बोला कि सर साइन कर दो इन पर, ये वाली चीज़ हमें पास करनी है, लेकिन राष्ट्रपति को पसंद नहीं आई, तो राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए, दोबारा से विचार करने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन जब दोबारा से वो वाला डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति को साइन करने ही होंगे, वो मानना ही होगा, उसके अनुसार कार्य करना ही होगा, ठीक है ना। इसमें भी यही बात कही है कि जो शब्द है ना ही वाला, ठीक है ना, इस पे इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि पहले हुआ क्या था कि भाई संविधान में ये बात थी कि राष्ट्रपति को वही काम सारे करने पड़ते थे कि जो प्रधानमंत्री ने कहे हैं, लेकिन उसके बाद ये रहा कि भाई जो प्रधानमंत्री ने कह दिया वो राष्ट्रपति को करना है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल भी करने लगे। अब इस बात को समझिए, एक कानून है, कानून को बनाने के लिए सबसे पहले लोकसभा में जाएंगे, फिर राज्यसभा में वो कानून जाएगा, ठीक है, लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में, या राज्यसभा से पास होगा तो लोकसभा में, दोनों से पास होने के बाद ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। प्रेसिडेंट ने जब साइन करेंगे प्रेसिडेंट, तभी तो वो कानून बनेगा, ठीक है ना, उससे पहले तो उसको सिर्फ बिल बोला जाएगा। तो अब क्या होगा कि भाई एक बार तो राष्ट्रपति मना कर सकते हैं कि भाई ये वाली पावर जो है, मतलब ये वाला बिल जो है संविधान के अनुसार नहीं है, आप, मैं उस पर साइन नहीं करूंगा, लेकिन या उस पर दोबारा से आप सोचिए, लेकिन जब दोबारा प्रधानमंत्री ने भेजा उनको तो उनको साइन करने ही होंगे, ठीक है ना। बाद में उनको एक संशोधन करने के बाद ये शक्ति दी गई थी कि भाई दोबारा से आप पुनर्विचार कर सकते हो, ये पावर बाद में दी गई थी। दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही था, आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।